السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين حضرات محترم آج تھوڑی دیر قبل ہندوستان کے سب سے بڑے آتنک وادی نرسنگھا نند نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ट्वीट करके और मुझे भिजवाई है। मेरे मोबाइले के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसने कहा है कि मैं मुफ्ती सलमान अजहरी की चुनौती को स्वीकार करता हूं। तो अब सुनो, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि अब तक गुफे में बैठकर जो गीदड़ भौंकता था वो आज बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है। और याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपने उसी मोबाइले के चैलेंज पर बरकरार हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा इंशाअल्लाह। अब ये कहता है तारीख बता, दिन बता और जगह बता, तो सुन ले। दिन तो तेरे, जगह तो तेरे चेले ने खुद ही बताया था दिल्ली के रामलीला मैदान में आने की, ये बात मैंने नहीं कही थी। तारीख दिन मेरा होगा, जगह और परमिशन के मामलात तेरे होंगे, ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने स्पष्ट किया है। इसलिए मैं इस पर जोर दे करके कह रहा हूँ कि हुकूमत की सारी पुश्तपनाई तुम्हारे साथ है, यह हमें अच्छी तरह से मालूम है। और अगर ऐसा ना होता तो तुम खुले सांड की तरह घूम नहीं रहे होते आज। बार बार मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को निशाना बनाता है ये, इसको साधु और संत कहते हुए शर्म आती है, ये पाखंडी है और एक बहुत बड़ा जहर है हिंदुस्तान के लिए जो मुसलमानों में और हिंदुओं में लड़ाने का तय करके बैठा हुआ है। मेरे अजीजों, इसने आज की वीडियो में भी जो जवाब दिया है उसमें फिर से कहा कुरान को गुंडों की किताब, मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाता है। खैर ठीक है, तूने स्वीकार किया है तो अब मेरी बात सुन ले। परमिशन तेरी तरफ से होगा और तू परमिशन रामलीला मैदान दिल्ली का लाता है, ठीक है, मुझे उस परमिशन के मामलात सारी चीजें तू पहले भेज दे। दिन, तारीख और तू सुनना चाहता है वक्त तो सुन ले, इसके लिए भी और मेरे अजीज मुसलमानों के लिए भी। ऐ मेरे अजीज मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयूर मुसलमानों, मैंने तारीख अकाबिरीन से मशवरा करके ये तय किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज इसी माह रमज़ानुल मुबारक के 17वीं तारीख को यौम बदर यौमुल फुरकान, अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कादरी हाजिर होगा। दिन फिर से सुन ले, मेरे रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख यौम बदर यौमुल फुरकान और 30 अप्रैल 2021 को मैं अपनी जानिब से तारीख तुझे भेज रहा हूँ और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे, या जैसे भी परमिशन के मामलात होंगे तो मुझे फौरन जैसे आज वीडियो भेजा है उसी तरह से भेजेगा। और दूसरी बात, अब जो मुबाहला होगा, जो मैदान में उतरा जाएगा, अब सुन ले उसके मामलात, मैं अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुबाहले के जो उसूल हैं उस पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं पहले मैदान में उतरूंगा और फिर इत्माम हुज्जत के लिए सामने बैठूंगा। एक बार फिर से तुझे मैं इस्लाम की हक्कानियत, कुरान अजीम की शान, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत तेरे सामने फिर से बयान करूंगा। और तू फिर से अगर इनकार पर इनकार करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में मुगल्लज़ात बकता है, कुरान अजीम और इस्लाम को निशाना बनाता है, उसके बाद इत्माम हुज्जत खत्म हो जाएगी। मेरी तरफ से जो तुझे इस्लाम की हक्कानियत बतानी थी वो मुकम्मल होने के बाद तू भी बैठ जा, मैं भी बैठता हूँ। तूने कहा है ना कोई चीज नहीं लेकर के आऊंगा, देवी को और माँ को अपने अंदर लेकर के आएगा। बहरहाल जिस देवी और देवता की तू पूजा करता इबादत करता है, तू बैठ करके अपनी देवी और देवताओं को पुकारेगा और मैं अपने रब्बे जुल जलाल खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारूंगा और मैं ये अर्ज करूंगा कि ऐ अल्लाह, इसमें जो झूठा है उस पर तू लानत भेज और उसको तू अपने अजाब का निशाना बना दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला चलता रहेगा
और उसके बाद फिर जो तेरे लिए अग्नि परीक्षा है वो भी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये उसूल हैं मुबायले के। अब फिर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूर अर्ज़ करूँगा। जाने से कबल एक और बात इस पाखंडी के लिए, नरसिंहानंद के लिए, कि तेरी भी बॉडी टेस्ट होगी, मेरी भी बॉडी टेस्ट होगी। तेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे, मेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे। कोई चीज़ लगा करके नहीं आया जाएगा, हम इसी तरह से आएंगे। और कितने लोग रहेंगे इसको अगली मर्तबा में हम तय करेंगे। और याद रखना, शरारत करने की कोशिश नहीं करना। अगर तू अपने गुफे से बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है तो फिर से मैं तुझे कहता हूं, बुज़दिलों और कायरों की तरह से शरारत नहीं करना। जिस तरह तू अपने गुफे में बैठ करके आम भोले भाले हिंदुओं को हथियार से लेस होने की दावत देता है, लड़ाने के लिए उभारता रहता है, इस तरह अगर तूने दिल्ली में राइट्स करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान फसादात करने की कोशिश की, इसका सारा जिम्मा तेरे सर पर होगा। इसलिए कि मैं हिंदू मुसलमान लड़ाई का, फसाद का हाइल नहीं हूं। मेरी लड़ाई आम लोगों से नहीं है, सिर्फ तेरे से है, तुझ पाखंडी से है, जो तू अपने मुगल्लजात के जरिए से इस्लाम को और कुरान को और मेरे आका को निशाना बनाता है। सबको मालूम है तू सियासत के लिए ये तमाम चीजें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज बात आ गई है मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। तू क्या समझता है कि इस्लाम ये कोई खेल है, आजकल का आया हुआ एक दीन है? इस्लाम तो उस दिन से है जिस दिन पहले इंसान ने इस धरती पर कदम रखा है। मेरे रब्बे जुल जलाल का हर घड़ी इंशाअल्लाह अज़ीज एआनत का वादा है कुरान पाक में, और मुझे यकीन कामिल है। और जो बातें मुझे अर्ज करनी है, परमिशन तू लेकर के हमें भेजेगा और तारीख मैंने तय कर दिया। फिर एक बात, तू जलकर मर गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये भी लिख करके पहले से दे देना किसी एडवोकेट के जरिए से बना कि मैं अपनी खुशी से जल करके मरना चाहता हूं, इसलिए कि बाद में तेरे जल कर मरने के बाद ना ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी और ना ही किसी मुसलमान पर होगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है मेरे दीन पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हक्कानियत पर और कुरान पर यकीन है। जो होगा मेरे रब तआला की मदद जरूर आएगी। आखिर में मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा और उलमा अहले सुन्नत से भी कि जिन्होंने मुझसे बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया, हर खानका से दुआ के पैगाम आता है और उलमा अहले सुन्नत ने ढेरों दुआओं से मुझे नवाजा है, मुसलसल अरसाल कर रहे हैं। कई हजरात ने मुझे अपनी निकियाँ अपने नवाफिल में याद किया। बहरहाल मैं तमाम ही नौजवानों से कहना चाहूँगा, ऐ मुसलमानों अब मुझे बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इस कदर मुगल्लज़ात बखने के बाद अब जीने का मतलब क्या रह जाता है? अब जीने का मतलब क्या रह जाता है यहाँ पर? और फिर मैं ये समझ लूँगा कि अगर इस वक्त के आने से पहले इसने कोई शरारत की, दबाव बना करके मेरी गिरफ्तारी या मुकदमे में घसीटने की कोशिश की, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तू सबसे बड़ा कायर है और बुजदिल है। और फिर ये भी मैं समझ जाऊंगा हुकूमत की डबल पॉलिसी क्या है। जगह जगह से उस पर एफआईआर हुए हैं, दसियों मुकदमे हो गए, लेकिन उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा आज तक। खुले सांड की तरह से वो घूम रहा है, जहर फैला रहा है, आज तक जहर फैला रहा है। और अगर मुझ जैसा एक आलिम इंसाफ की गुहार लगाए, अगर मुझे गिरफ्तारी के बारे में या मुकदमों के बारे में बात आती है, तो फिर ये डबल पॉलिसी भी समझ में आएगी। जिस तरह मुझे आज ही मेरे घर पर पुलिस भेज करके निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो जिसकी तरफ से भी पुलिस आई होगी, लेकिन अगर इन मामलात में ये शरारतें भी तू करेगा तो भी कान खोल करके सुन ले। मेरा ये चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह, कभी खत्म नहीं होगा। अगर दबाव में आकर के किसी ने गिरफ्तारी और दीगर मामलात कर भी दिए मेरे साथ, अरे मेरा कत्ल भी कर दिया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिंदुस्तान के हजारों आशिकाने मुस्तफा हैं जो फिर खड़े होकर के तुझे ललकारेंगे, फिर ललकारा जाएगा तुझे और ये खत्म नहीं होगा। और तुम अपनी ताकत और सियासत का इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर सुन्नी मुसलमान अपने इश्क रसूल की ताकत का इस्तेमाल करेगा, हमें यकीन है। और तमाम ही मुसलमानों से फिर से मैं कहूंगा, आज से दुआओं में लग जाओ और तुम जरा बराबर भी हल्कापन महसूस ना करना, इसलिए कि ये मेरे घर की बात नहीं है,
ये मेरे अपने नामोरी की बात नहीं, अगर कोई बदगुमानी करता है तो मैं उससे फिर माजरत के साथ कहूंगा वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, मैंने हरगिज अपनी नामोरी और शोहरत के लिए ये चैलेंज नहीं किया है। दिल जल रहा था इस्लाम की हक्कानियत और रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और कुरान की शान के इजहार के लिए मैंने चैलेंज किया, और मुझे यकीन कामिल है इंशाअल्लाह अज़ीज़, यकीन कामिल है फतह होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन बंदों की फतह होगी, क्योंकि कुरान में मौला ने फरमाया कान हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन, अल्लाह फरमाता हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है ईमान वालों की मदद करेंगे। मेरा रब फरमाता है कतब अल्लाह लअग्लिबन्ना अना व रुसुली इन अल्लाह कवीयुन अज़ीज़, अल्लाह ने यह लिख दिया है कि गालिब आऊंगा तो मैं और मेरे रसूल, और बेशक अल्लाह कुव्वत वाला और गालिब आने वाला है। और फिर मेरे रब ताला ने यह भी फरमा दिया है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, दीन हक के साथ भेजा है, किसी आतंक के साथ नहीं, इसलिए कि वो तमाम अदियान में गालिब आए। और मेरे रब ताला के इस कलाम मुकद्दस पर यकीन रखो आए सुन्नी मुसलमानों। और फिर मैं गुनगुनाते हुए ये पैगाम हर एक सुन्नी मुसलमान से कहूंगा तुम भी आज से इसको विरदे जुबान बना लेना, इसलिए कि रज्म गाहे हक व बातिल अब गर्म हो चुका है, अब हक व बातिल के मारके की इन तमाम तमाशाबीन मत बनना, हिस्सा बनने की कोशिश करो, हिस्सा बनने की कोशिश करो। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं या रसूल अल्लाह। अभी वो उम्मी फिदा का अकाई व मौला ही आपकी शान में मुगल्लजात बखे जा रहे हैं और हमारे कान अभी तक सुनने के लिए बाकी हैं। हम माजरत चाहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम गुनाहगारों को एक बार फिर से माफ फरमाएं और दीन हक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नुसरत के लिए, दीन हक की नुसरत के लिए दुआ जरूर फरमाएं। और तमाम ही मुसलमानों से फिर से कहूंगा दिल को हाजिर रखते हुए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करते हुए, कौन सा दिन मैंने बताया है, यौमुल फुरखान यौम बद्र, जिस दिन मेरे मौला ने 5,000 फरिश्ते अपने नबी की हिमायत के लिए उतारे थे, आज तुम फिर से रज़्म गाहे हक व बातिल में चलो और फिर यूं कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उलमाए अहले सुन्नत व जमात आने के लिए मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं उन सब से भी गुजारिश है, तारीख मैंने ऐलान कर दिया, जो हजरात पहुंच सकते हैं वह इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेंगे और अपनी कुव्वत ईमानी का सबूत आज देने का वक्त है, हम दे करके रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।